Welcome to my channel. कैसा बना था ना? अरे लोटी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज के डिनर के साथ हमारा व्लॉग स्टार्ट है। जो हमने पहले व्लॉग बनाया उसमें हम बात नहीं कर रहे थे क्योंकि इनके पापा कॉल पे बात कर रहे थे और हमारा बोलना मना था। तो हमारे ये कहवा हमने बना लिए। ये फातिमा का कहवा और अहमद आपका कहवा क्या है? अहमद को पता है आइसक्रीम खानी है, केक खाना है और चॉकलेट खानी है। अहमद ने क्या क्या खाना है? और बैटरी हो गई है लो और व्लॉग भी बनाना ज़रूरी होता है। अहमद कैमरा हिलता है, मैं थोड़ी देर ऐसे अहमद कहते मामा कैमरा हिले तो करीब कर दें, फिर ऐसे दूर कर दें, फिर यूँ करीब कर दें, फिर कैमरा रुक जाएगा। और इसने दही खा ली है, मैं इसको कह रही हूँ थोड़ा सा बेटा कहवा पी लो, कहवा उठाओ अब उठाओ, मज़े का है। और इसको ना गुड़ नज़र आ गया, मैं कहवे में डाली थी ना तो इसने खा लिया। अच्छा होता है ना वैसे गुड़ तो? खुरू बलगम साफ करता है, तो मैंने कहा अच्छी बात है खाए, क्योंकि इसके दादा बहुत शौक से खाते थे और इसी तरीके से मुझे भी आदत है। मैं हमेशा घर में गुड़ ज़रूर रखती हूँ, मेरे घर में कभी ऐसा नहीं होता कि गुड़ ना हो, क्योंकि इसके दादा बहुत शौक से खाते थे। तो मैं हर वो चीज़ हर वो आदत अपनी नहीं छोड़ती जिसका मेरे मतलब अबू ने बताया था। अबू जिस चीज़ का कहते थे वो चीज़ हमेशा, मतलब वो आदत को मैंने, उस हैबिट को मैंने अपना लिया है कि नहीं वो चीज़ें करनी है तो करनी है। तो बस भाई कहवा पीते हैं, इंजॉय करते हैं। तुम्हारा तो अच्छा भी पिएगा, अच्छा कैसे नहीं पीना, पियोगी गंदी मच्छी पियोगी। और इब्राहिम अभी सोए में, इब्राहिम उठेंगे ना फिर मेरा बेटा पेट भर के खाना खाएगा। मगर सारा खाना अलग है, दही मिला के खा रही हूँ, ये भी इतना तेज़ लग रहा है पता नहीं क्यों। मिर्चियाँ अलग है नहीं, या तो हम लोग बीमारी के वजह से खुरम एकदम वो खा रहे हैं तो हमारा मुँह का जो टेस्ट है वो अजीब हो रहा है। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आहिस्ता आहिस्ता सब बेहतर हो जाएगा। काफ़ी बेहतरी आई है इब्राहिम में, काफ़ी बेहतरी आई है फातिमा में, अल्हम्दुलिल्लाह। अहमद भी इंशाल्लाह सही हो जाएंगे। और आज फिर स्टार्ट में ही हम फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करेंगे, गज़ा के मुसलमानों के लिए दुआ करेंगे, मस्जिद अक्सा के लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक मस्जिद अक्सा की हिफाजत करें, वहाँ के मुसलमानों की मदद करें और जो है दुश्मनों को अल्लाह पाक ने तो नाबूद कर दे। हम सब का ये फ़र्ज़ है। और आप लोगों को एक बात मैं आज शेयर करूँगी वो ये कि ये हर माँ बाप हर पेरेंट्स पर ये फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चों को मस्जिद अक्सा के बारे में बताए, है या नहीं? ये बहुत ही डीपली नॉलेज है, मैं आपको ये हकीकत बता रही हूँ। आप चाहो तो कहीं भी पढ़ सकते हो, सर्च कर सकते हो कि हर माँ बाप के ऊपर ये लागू है, फ़र्ज़ है कि वो अपने हर बच्चे को मस्जिद अक्सा के बारे में बताए। ये हमारा किबला है, अव्वल है। पता है आपको यहाँ पर कितने पैगंबर ने नमाज पढ़ी थी खुरम? कितने टोटल? 1,24,000। 1,24,000 पैगंबरों ने यहाँ पे नमाज पढ़ी है। और आपको पता है इमामत कितने की थी ये भी बताए? आप हमारे प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है हमारे प्यारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल्लिल आलमीन है और खातिमुन नबीयीन है
तो उन्होंने इमामत की थी। ये सारी हिस्ट्री हम पढ़ रहे थे और ये हम पर फ़र्ज़ बनता है कि हम इसके बारे में मालूमात लें, अपने बच्चों को बताएं और हम खुद भी इन चीज़ों को मतलब कि अपने दिमाग में बिठाएं। ये वो जगह है फ़लस्तीन जहाँ पर हमारे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। ये वो जगह है फ़लस्तीन जहाँ पर अपना क्या नाम है उनका इब्राहिम अलैहिस्सलाम रोज़ा है, वहाँ पे रोज़ा है और बीबी मरियम अलैहिस्सलाम, ये वही जगह है जहाँ पर बीबी मरियम अलैहिस्सलाम ने जिस दरख्त को हिलाया था और खजूर गिरी थी, ये वही जगह है। मैं पूरी हिस्ट्री पढ़ रही थी और इंशाल्लाह मैं और भी चीज़ें आपको बताऊंगी इसके बारे में। मैंने पूरी हिस्ट्री निकाल के, मुझे बड़ा अच्छा, मुझे इब्राहिम बताते हैं निकाल निकाल के, अम्मा ये पढ़ो अम्मा ये पढ़ो, मैं पढ़ती हूँ, मुझे मैं बड़ी मोटिवेट होती हूँ इन सारी चीज़ों से कि यार। और कहते हैं कि खाने काबा के बाद हम सब पर फ़र्ज़ है कि हम यहाँ जा कर नमाज़ पढ़ें, मगर अल्लाह पाक जिसे चाहे जो चाहे और जिसके नसीब में हो वो जाते हैं। मतलब मैं बड़ा डरती भी हूँ कहने से पहले कि कुछ खुदा न खासा कुछ गलत ना निकल जाए, लेकिन हिम्मत करूँगी अच्छा बोलने की तो ही बोल पाएंगे ना। तो कोई गलती हो जाए तो आप मुझे बता दिया करें कि यहाँ गलती थी, आपने ये गलत बोला, लेकिन हमें बोलना चाहिए, फ़लस्तीन के लिए बात करनी है, आवाज़ उठानी है, मदद करनी है। सबसे बड़ी बात क्या कि हमें हाथ उठा के अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह पाक हिफाजत फरमा वहाँ के मुसलमानों की। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है कि वो हामला ख़वातीन के बारे में बताया जा रहा था कि वहाँ खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, और जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो बेचारे अजीब मतलब सूरत हाल वहाँ की देख के बड़ी तकलीफ, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो बस हम सबको जो है दुआएं करनी है। और ऐसा लगा कल हमें कमेंट आया कि पहले फर्स्ट यूट्यूबर है हम जिन्होंने फ़लस्तीन के लिए बात की, सब मतलब कि अभी तक किसी यूट्यूबर ने नहीं की, मगर हम हैं पहले वो यूट्यूबर। ये कमेंट आया था, ऐसा ना हो कि फिर कमेंट कर दो कि खुद ही अपने तरफ से वो कर रही है। मुझे कल कमेंट आया था और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने उसका जवाब भी दिया कि बस बैठे बैठे बस, क्योंकि हर वक्त अब घर में यही टॉपिक हमारा चल रहा होता है फ़लस्तीन के मुसलमानों के बारे में, गज़ा के बारे में। और अभी तो लोग जो ना सब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर लॉन्ग मार्च भी करेंगे और हम सबको निकलना है। एक एक इजहार है, एक जहती, एक मोहब्बत का मजाहरा, दुआएं भी करनी है, सब कुछ करना है। और हमारे घर में तो सुबह शाम इस पर, इस टॉपिक पे बात होती रहती है, क्योंकि बच्चों के चाचू जो है वहाँ पर होकर आए थे तो वो सारी चीज़ें बताते हैं। और इनके दादा सारी ये सारी चीज़ें इनके सब जगहों पर इनके दादा होकर आए, मिस्र फिर फ़लस्तीन हर जगह इनके दादा माशाल्लाह पूरी दुनिया घूमे हुए थे, अल्लाह उनको जन्नत अल-फ़िरदौस में आला मुकाम अता करे। तो फिर इनके चाचू की भी ख्वाहिश थी कि वो भी उस हर जगह पे जाए जहाँ पे उनके अब्बू गए थे, और जो चीज़ें अब्बू बताया करते थे तो वही सारी चीज़ें पे मतलब मेरे देवर गए थे और वो मेरे हस्बैंड को सारी चीज़ें बता रहे थे। तो मैं वो जो हम लोग अभी खाने से पहले जो चुप थे ना, वो इसी टॉपिक पर बातें चल रही थी और हम लोग चुप थे क्योंकि हमारे घर में ये एक उसूल है कि जब बात कर रहे होते हैं दोनों भाई तो हम लोग सब खामोश रहते हैं, और ये अच्छी बात है, होना भी चाहिए, एक एक अदब, एक एहतराम, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो बस भाई इतनी प्यारी बातें हैं सारी, चलती रहेगी इंशाल्लाह, ये टॉपिक तो हमारा रोज़ाना होता रहेगा। हम इनके पापा को मैं सालन दूँ, मैं बातों में लग गई और सालन भी ख़त्म हो गया, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद या सुबह। हाँ कट कर देना प्लीज़, बस ऐसे हो रहा था कभी अचानक से जो है ना ये फटे बात की लकार आई, ऐसी मस्तियाँ करता है माशाल्लाह मेरा बच्चा। तो बस अब मुझे नहीं दिखाइए, हम अब सोफे की कवर कर रहे हैं सही, वो दो तो हमने कर लिए बगैर अहमद की मदद से। अहमद ये हो रहा था दांतों में शादी, मैंने इसको दूध का एक कप दिया और मैंने कहा इसको दूध पियो और ऐसे करो, फ़ायदा हुआ अहमद? अभी तो आप कह रहे थे अम्मा हुआ। बस अब आप देखेंगे हम अपने सोफे पर कवर कैसे चढ़ाते हैं। देखो ये नीचे आएगा, हाँ इसको थोड़ा सा ऊपर होगा ये। गुड, सही है, मम्मा ने सही किया। और अब ये वाला हिस्सा बहुत भारी है भाई, अरे अरे फिर कर लिया। हाँ वो दो तो मैंने अकेले भी छा दी, इसका जो है ना मुझे इब्राहिम की हेल्प चाहिए होती है। और साथ में ये जो ये फंसाते हैं ना पाइप फॉर्म वाले, ये भी बिल्कुल ख़त्म हो गए, इनको पोलियो हो गया है ब्रैन, इनको हो गया है पोलियो। बस बीच में से ज़्यादा नहीं लेना है बू, साइड पे से, क्योंकि बीच में से ये फिर पूरा ऊपर चला जाता है। अब जो गंदे वाले वो निकाल के यहाँ रखे, वो मशीन में जाएंगे। वो कुशन के कवर भी मुझे धोना है, बहुत गंदे हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके
हिम्मत करूँगी, क्योंकि जो इतने दिन बीमार रहे हैं ना हम लोग, उस बीमारी में वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई। तो अब सांस फूल रहा है, आप सुन रहे होंगे, और इसके कान में इतना शदीद दर्द है, इतना पूरी रात सोई नहीं है। इसके भी अभी मैं ऑयलिंग वगैरह करूँगी, इसके कान में बहुत पस निकला है। अभी देखो शरारत कर रही है मेरी बच्ची, माशाल्लाह। बर्तन इतने सारे जमाए, वो भी धोने, लेकिन मैंने कहा मैं पहले ये काम सारा समेटूँ, उसके बाद जो है बाकी के मराहिल हम तय करेंगे। पहला मराहिल हमारा ये है। हाँ मेरा बेटा, पापा आएंगे मेरी जान। बस तो हम ये करते हैं, फिर उसके बाद आपको फाइनल दिखाते हैं। 2000 years later. तो बस जनाब, हमारा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है, हमने पूरा साफ़ कर लिया है। कुशन हमने यहाँ चेयर्स पे ही रहने दिए हैं फ़िलहाल, बाकी आप घर देख सकते हैं साफ़। और इस कमरे को देखें आप, ये भी बिल्कुल साफ़ सुथरा है। ठीक है जी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हमारा घर, हमने साफ़ कर लिया। बहुत दिनों के बाद जो है हमने प्रॉपर सफाई की है। किचन भी हमारा बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा है। चम्मच का रैक भी हमने अच्छी तरह से वॉश किया, चमक रहा है रैक। गिलास का भी अच्छी तरह से धो लिया, ये रैक भी साफ़ कर लिया। बस ये बर्तन ड्राई हो जाए। चिकन थोड़ा सा था भिगो दिया है, ये ऊपर रखने वाले बर्तन है। और ये बस पूरा लुक आप साफ़ सुथरा घर का ये देख सकते हैं, ठीक है ना, साफ़ सुथरा। और इस कमरे को जैसा दिखाऊं मैं आपको, तो वो ऐसा है साफ़ सुथरा। ठीक है, सारा कुछ समेट लिया। और हमारा इब्राहिम मोबाइल, और उसके कान में से जो पस निकला है ना, उसकी तबीयत इतनी अजीब हो गई है मेरी गुड़िया की, लेट रही है, सो रही है। और अहमद भी सो रहा है। अहमद सो रहे हो? टावल हमने गंदे मशीन में डाल दिए, धुले हुए हमने टावल निकाल लिए। एक फातिमा का हो गया और एक फातिमा के पापा का हो गया, भैया लाला का अलग है वहाँ पर। तो बस बहुत सारा व्लॉग का टाइम हो गया, और आपको पता है कि हमारी फातिमा की बर्थडे आने वाली है। तो अब इंशाल्लाह हम हिम्मत करके अपनी फातिमा की बर्थडे की जो है ना सारी प्रिपरेशन हमें करनी है। हाँ अहमद, थोड़ी हिम्मत लेकर आ जाओ, बहन का गिफ्ट लेने जाना है, बहन के प्यारे प्यारे कपड़े लेने हैं। हाँ अहमद, अहमद सो रहा है? मेरी शहज़ादी की बर्थडे आने वाली, तो आप सब ने मेरी फातिमा के लिए बहुत सारी दुआएं करनी है कि अल्लाह मेरी बेटी को लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह किसी का मोहताज ना करे, अल्लाह इसके नसीब बहुत अच्छे करे, है ना मेरी गुड़िया, मेरी शहज़ादी। तो बस भाई, इस व्लॉग को हमारी प्यारी सी गुड़िया के प्यारे से बर्थडे की बात के साथ एंड करेंगे। वैसे फातिमा की बर्थडे आ रही है 23rd अक्टूबर, है ना मेरी शहजादी। तो मैं कभी भी सेम डेट पे बर्थडे करती हूँ, अभी भी नहीं पता कि बर्थडे करेंगे नहीं करेंगे, मगर ये है कि इसको गिफ्ट ज़रूर देंगे, इसको स्पेशल ज़रूर फील करवाएंगे इंशाल्लाह, है ना। मुझे अपनी बच्ची के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेने, और इसका स्कूल भी अल्लाह करे जल्दी से बस ये सही हो जाए तो स्कूल जाने लग जाए। तो इस व्लॉग को हम यहीं एंड करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में हमारी पूरी फैमिली को याद रखें। पेरेंट्स के रिस्पेक्ट, उनका ख्याल, उनसे प्यार, उन्हें वक्त लाजमी दें, नमाज की पाबंदी करें, और हमारे चैनल को, वीडियो को प्यारा सा मिल, आप क्यों बोल रहे हो प्यारा सा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चलो भाई अल्लाह हाफिज़।